एशिया कप की मेजबानी का मुद्दा अब मुद्दा नहीं जंग बन चुका है। एक ऐसी जंग जिसमें पाकिस्तान को श्रीलंका और बांग्लादेश का साथ मिल गया है और वो बीसीसीआई के सामने घात लगाए बैठ गया है। बीसीसीआई ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी पीसीबी के हाइब्रिड मॉडल को नकार दिया था। इस मॉडल के तहत एशिया कप का आयोजन पाकिस्तान करता, लेकिन टीम इंडिया अपने मुकाबले किसी दूसरे देश में खेलती। बहरहाल अब पीसीबी के लिए कुछ राहत की खबर सामने आई है। पीसीबी के नए हाइब्रिड मॉडल पर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड यानी बीसीबी और श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड यानी एसएलसी ने अपनी सहमति जता दी है। इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि कैसे पाकिस्तान भारत पर घात लगाए बैठा है। एशिया कप 2023 का मुद्दा सुलझने का नाम नहीं ले रहा। एशिया कप के लिए पीसीबी ने बीसीसीआई के सामने पहला प्रपोजल पेश किया था कि एशिया कप टूर्नामेंट का आयोजन पाकिस्तान में किया जाए, लेकिन भारतीय टीम अपने मुकाबले किसी न्यूट्रल वेन्यू पर खेल सकती है। इसके बाद पीसीबी का दूसरा प्रपोजल ये था कि एशिया कप टूर्नामेंट को दो भागों में बांटा जाए। इसमें पहले राउंड के मैचों की मेजबानी पाकिस्तान करेगा। इस राउंड में भारत के मुकाबले नहीं होंगे और भारतीय टीम अपने मुकाबले दूसरे राउंड में खेलेगी। साथ ही टूर्नामेंट का फाइनल मैच किसी न्यूट्रल वेन्यू पर खेला जाएगा, लेकिन बीसीसीआई इसके लिए भी राजी नहीं हुआ। अब खबर सामने आई है कि पाकिस्तान को श्रीलंका और बांग्लादेश का साथ मिल गया है। पाकिस्तानी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक श्रीलंका और बांग्लादेश से पाकिस्तान को समर्थन मिल गया है। श्रीलंका और बांग्लादेश ने एशिया कप 2023 को हाइब्रिड मॉडल पर कराने का समर्थन किया है। पीसीबी और एसएलसी को पीसीबी के हाइब्रिड मॉडल पर कोई आपत्ति नहीं है। आपको बता दें, पीसीबी के चेयरमैन नजम सेठी ने एसीसी को प्रस्ताव सौंप दिया है और अब एसीसी के अध्यक्ष जय शाह अगले दो दिनों में प्रस्ताव का आकलन करेंगे। हालांकि बीसीसीआई की मांग है इस टूर्नामेंट को पाकिस्तान से शिफ्ट करवाने की, और अगर ऐसा नहीं होता है तो बीसीसीआई एशिया कप 2023 का बहिष्कार कर सकता है। बीसीसीआई के एक सीनियर अधिकारी का कहना है, अब तक हमें इस तरह का प्रपोजल नहीं देखा है। हाँ, लेकिन आगामी दिनों में हमारे रुख में बदलाव संभव है। हम चाहते हैं कि टूर्नामेंट किसी न्यूट्रल वेन्यू पर खेला जाए। हम यूएई में आयोजन नहीं चाहते। इसके बाद यूएई में नहीं खेलने के सवाल पर बीसीसीआई अधिकारी का कहना है, यूएई में काफी गर्मी है, इस कारण हम कोई रिस्क नहीं ले सकते। हमारे खिलाड़ियों की इंजरी पहली प्राथमिकता है। हालांकि इस टूर्नामेंट में हम खेलेंगे या बॉयकॉट करेंगे, इस पर हम अभी तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे हैं। वैसे भारतीय टीम के बिना एशिया कप बिल्कुल वैसा लगेगा जैसे चीनी बिना खीर। और सबसे बड़ी बात यह है कि आईसीसी के इन्हीं बड़े टूर्नामेंट में हम दुनिया का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला मैच यानी इंडिया बनाम पाकिस्तान देख पाते हैं। बीसीसीआई ने हाइब्रिड मॉडल के प्रस्ताव को खारिज किया, इसलिए पाकिस्तान ने टूर्नामेंट का बहिष्कार करने की धमकी दे दी है और अब बाकी देशों के साथ ट्राई सीरीज यानी त्रिकोणीय सीरीज खेलने की बात कही थी। गौरतलब है, जैसे जैसे एशिया कप करीब आ रहा है, वैसे वैसे पीसीबी बीसीसीआई को घेरने की कोशिश कर रहा है। क्या होगा क्या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। अब हम आपसे पूछते हैं, क्या भारतीय टीम को पाकिस्तान जाकर एशिया कप खेलना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और क्रिकेट से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।